अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, व्यक्ति ने जीव ने ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय तो प्राप्त कर, मनुष्य पर्याय का जीवन भी प्राप्त कर लिया, पर जीवन की सफलता के मायने शायद उसने नहीं समझे। क्योंकि सबके लिए सफलता अलग अलग है। कोई पढ़ाई लिखाई पूर्ण करने को ही अपने जीवन की सफलता मानता है, कोई धन कमाने को अपने जीवन की सफलता मानता है, तो कोई धर्म करने को अपने जीवन की सफलता मानता है। सफलता एक ऐसी सब्जेक्टिव टर्म है, एक ऐसा व्यक्तिगत विषय है कि सबके लिए अपना अपना सफलता का अर्थ होता है। आवश्यकता नहीं है कि सबके लिए सफलता एक सी ही हो, एक समान ही हो, पर सफलता के लिए हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, या ऐसा कह दो सफलता की चाह प्रत्येक व्यक्ति को होती, चाहे बचपन में चाहे पचपन में। कोई कार्य करे व्यक्ति यही सोचता है कि मैं इतना कर रहा हूँ तो कुछ तो, पाटोदी जी, कुछ तो सफलता मिले, कुछ तो हासिल हो। पर ये विश्वास मानना, जीवन में ही क्या, किसी भी कार्य में अगर सफलता चाहिए तो सफलता किसी इत्तेफाक से या हादसे से नहीं मिलती। सफलता किसी भी कार्य की हो, धर्म की हो, धन के कमाने की हो, जीवन को सुख शांति में बनाने की हो, या अन्य किसी प्रकार से क्यों ना हो, पर सफलता किसी चंद मिनटों के या चंद घंटों के कुछ इत्तेफाक से, हादसे से नहीं मिलती। सफलता जब भी मिलेगी कठिन पुरुषार्थ से ही संभव है, नहीं है? है। पर व्यक्ति, इंसान आज सफलता तो प्राप्त करना चाहता है, पर मैं पूछना चाहता हूँ, जितनी बड़ी सफलता चाहते हो, क्या इंजीनियर साहब उतना पुरुषार्थ, उतनी मेहनत हमने की? नहीं। हर इंसान, हर व्यक्ति यही सोचता है कि सफलता तो मिल जाए, पर चंद मिनटों में मिल जाए। जीवन की सफलता या जीवन भी इतना आसान नहीं है कि हम मिनटों में पंडित विमल जी सफलता प्राप्त करें। मिनटों में बन गए पंडित? मिनटों में पंडित बन गए? नहीं। मिनटों में शब्दों के आगे पंडित लिखा तो जा सकता है, पर पंडित बनने के लिए, विद्वान बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए जो मेहनत जिसने की है, वो ही जानता है कि दिन रात एक करते हुए कितनी मेहनत और कितना पुरुषार्थ किया है। किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है, बात प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक कार्य की है। जो जीव ये सोचता है कि इत्तेफाक से मिल जाएगी, भाग्य से मिल जाएगी, होगा, आएगा समय तो काम हो जाएगा, ये बहुत बड़ी भूल है। ये बहुत बड़ी भूल है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि होगा समय, आएगा समय, क्योंकि अखिलेश पंडित जी जैसे पंडित है, वो कहते हैं महाराज जी, काल लब्धि आएगी तो हम ले लेंगे दीक्षा, हो जाएगा कल्याण। काल लब्धि, भाग्य अपने आप नहीं बदलता,
काल लब्धि अपने आप नहीं आती, समय अपने आप नहीं आता, और ये भी ध्यान रखना कि भाग्य भी अपने आप से नहीं बदलता। ये जीवन के ऐसे दो बेशकीमती पहलू है, जीवन के दो ऐसे बेशकीमती पहलू है जो हमारे और सबके ही जीवन को एक सर्वश्रेष्ठ दिशा और दशा को देने के लिए निमित्त बनते हैं। उसका नाम है भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य और पुरुषार्थ, जहाँ जहाँ भाग्य रूपी लक रूपी एक भाग आवश्यक होता है, वही पुरुषार्थ भी परम आवश्यक होता है। जितनी भी सफल व्यक्तित्व के इतिहास को हम खोज के देख लें, उन्होंने अगर संघर्ष के साथ पुरुषार्थ करना नहीं सीखा तो शायद आज वे इतने ऊंचाई तक पहुंचने वाले नहीं हैं। धर्म के महापुरुषों ने तो किया ही किया, पर जो लौकिक महापुरुष बने हैं उनके भी इतिहासों में झांक कर देखो ना, चाहे बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, बड़े बड़े उद्योगपति क्यों ना हो, उनकी शुरुआत जैसे आज वे जी रहे हैं उतने सुख सुविधाओं में उनकी शुरुआत नहीं थी। कई बार परीक्षा में फेल हुए, कई बार जीवन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के कार्यों में भी वो फेल हो गए, पर फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं हारी, फिर भी उन्होंने हौसला नहीं हारा। और जो हौसला बना के हुए जीवन में पुरुषार्थ करता रहता है, नियम से उसका भाग्य बदल जाता है। भाग्य बनाने वाला कौन? भाग्य बनाने वाला कौन है? भगवान? नहीं, भगवान किसी का भी भाग्य नहीं बनाता, भगवान किसी का भी भाग्य नहीं बनाता। भाग्य बनाने की शक्ति अगर किसी में है तो मेरे स्वयं के पुरुषार्थ में है, मेरे स्वयं के पुरुषार्थ में है। अगर मेरा स्वयं का पुरुषार्थ निर्मल है, सही दिशा में सही समय पर सही प्रकार से हमने पुरुषार्थ किया है, तो जीवन की दशा और दशा दोनों भी बदल सकती है। आपकी बदल गई? बोलो हाँ। हाँ बोलो। नहीं बदली? क्यों? क्या पुरुषार्थ नहीं किया? क्या मेहनत नहीं की? पुरुषार्थ भी किया, मेहनत भी की, सब कुछ किया, पर समय पर सही दिशा में सही इंटेंसिटी में सही तीव्रता में हमने पुरुषार्थ नहीं किया। ये जीवन का माताओं सूत्र हमेशा हमेशा याद रख लेना कि जहाँ 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 पुरुषार्थ है वही भाग्य में बदलाव है, पुरुषार्थ के अभाव में भाग्य नहीं बन सकता। और बिना भाग्य और बिना पुरुषार्थ के किसी प्रकार से किसी भी कार्य में व्यक्ति सफलता को हासिल कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। आप नहीं चाहते अशोक जी जीवन में सफलता मिल जाए? चाहते हैं तो कब तक भगवान भरोसे और कब तक अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे? कभी ना कभी हमें एक कदम पुरुषार्थ का आगे बढ़ाना होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों, पर ये निर्णय हमें बैठे बैठे आज करना है, क्योंकि हमें अपने जीवन को नेक बनाना है और जीवन को नेक बनाना ही मेरे जीवन की सफलता है। जो कुछ किया मैंने, पुरुषार्थ भी किया, मेहनत भी की, पर वो मेरा पुरुषार्थ, मेरी मेहनत मात्र और मात्र फेक थी, दिखावे के लिए थी, नकली थी। ईमानदारी से पुरुषार्थ नहीं किया। विश्वास मानो, अगर ईमानदारी से थोड़ा सा भी पुरुषार्थ किया होता तो संजीव भाई इस खोटे पंचम काल में आप और हम नहीं आते। कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में कमी रही, कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में नकली बना रहा पिछले दिनों में, जिस कारण से हम आज इस खोटे पंचम काल में दुखों को भोग रहे हैं। दुख नहीं है ना? बोलो ना, दुख नहीं है ना? नहीं है, है। दुख है, दुख है, दुख है। और सामान्य काल में आकर दुख नहीं भोग रहे हैं, हम पंचम काल में, दुखमा काल में भी
हुंडा सर्पणी काल में आकर दुख भोग रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है। चौथे काल में भी थोड़ा सा दुख था, बाकी के पांचवे काल में भी दुख है, पर दुख में भी विशेष दुख इस हुंडा सर्पणी काल में होता है, जिस काल में पांचवे काल में हम आकर दुख भोग रहे हैं। दोष दूसरों को देने से काम नहीं होगा। अनादि से यही भूल व्यक्ति करता रहा कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसके कारण हुआ। भूल दूसरे की नहीं थी, भूल दूसरे की नहीं थी, कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में, हमारे सोच में कमी थी, जिस कारण से आज तक हम असफल बनते रहे। सफल होना है, मात्र जो धन संपत्ति नाम प्रतिष्ठा हमने प्राप्त करके रखी है, इतना पर्याप्त नहीं है जीवन की सफलता के लिए। ये आपके जीवन के सफलता के मायने हो सकते हैं, पर इससे कुछ और भी सफलता के मायने होते हैं, जिसे हमें धर्म की परिपेक्ष में, जीवन जीने की कला के परिपेक्ष में समझने। क्योंकि कुछ दिनों से शायद आपको याद हो, नहीं हो तो सबको याद दिला दूं कि हम नीति सुधा बिंदु नाम के ग्रंथ को यह समझने का प्रयास कर रहे। आचार्य काम कुमार नंदी महाराज ने जो जीवन जीने की कला नीतियों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है, उन एक एक नीतियों को हमें यहाँ समझने का पुरुषार्थ करना था। कोई बात नहीं, कुछ दिन नहीं समझ पाए, पर जो अब समय मिला है, अब हमें समय पर इस समय के रहस्य को समझने के पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। तभी स्वतंत्रता और तभी सफलता मिल सकती है, जब सही मायने में, सही दिशा में हम सही पुरुषार्थ करने का प्रयास कर सकते। क्योंकि आज पूरा देश क्या मना रहा है, आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अगर हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी सोच ले, स्वतंत्रता क्यों मिली, कैसे मिली, क्या हाथ पर हाथ धरे रखने से स्वतंत्रता मिली थी? नहीं, जैसे बने सबने अपने अपने पराकाष्ठा से पुरुषार्थ किया था, किसी ने अहिंसा से, किसी ने हिंसा से, पर सबने अपना पुरुषार्थ किया था, तब जाके कभी हम दूसरों के परतंत्रता से स्वतंत्र हो पा रहे थे। और स्वतंत्र होना अपने स्वयं से, अपने जीवन में अपने स्वतंत्र जीवन को जी पाना, वास्तव में यही जीवन की सफलता है, यही जीवन की सफलता है। और उस सफलता और उस स्वतंत्रता के लिए ही हमारे जीवन का पुरुषार्थ होना चाहिए। आज तक क्या किया ये भिन्न विषय, पर हमें आगे क्या करना है, कम से कम इसके बारे में तो हम विचार करें। ठीक है, भूत बीत गया, भूत में गलती हो गई, गलती नहीं होती तो पंचम काल में आते नहीं, ये भी हमने स्वीकार कर लिया। पर अब तो हम बदले, अब तो हम अपनी सोच को बदले, अब तो कम से कम अपने पुरुषार्थ की दिशा और दशा को बदले, जिससे मेरा जीवन कुछ अंशों में बदलने की संभावना हो। ये पक्का है कि अगर पंचम काल में हमने अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं किया, पंचम काल में हमने अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं किया, तो विश्वास मानना छठे काल में बदलने का मौका नहीं मिलेगा। छठे काल में किसी को भी, अपने आप को भी बदलने की कोई संभावना, कोई गुंजाइश नहीं है। अभी भी जितना छोटा सा, थोड़ा सा पंचम काल बचा है ना, इसमें पुरुषार्थ कर लो। भाग्य बदल सकता है, समय बदल सकता है, जीवन बदल सकता है। मैंने कल किया हुआ पुरुषार्थ मेरे लिए आज भाग्य बन रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और मैं जो आज अभी इस समय से पुरुषार्थ करूंगा, वह मेरे आने वाले समय के लिए भाग्य बनने वाला है। भाग्य गिफ्ट में नहीं मिलता, सफलता हादसे से नहीं मिलती, स्वतंत्रता भी जो मिली हमें हादसे से नहीं मिली। कितने वर्ष
कितने वर्ष संघर्ष करना पड़ा। अगर संघर्ष करने वाले वे जवान कहते क्या करना है मुझे, मैं किसी सरकार की गुलामी, किसी राजा की गुलामी करता था, आज विदेशियों की कर रहा हूँ, कौन सी बड़ी बात है, मेरा परिवार मेरा घर तो चल रहा है। अगर ये छोटी सोच लेकर वह स्वतंत्रता सेनानी अगर कभी लड़ाई नहीं लड़ता तो क्या देश को स्वतंत्रता मिलती? नहीं मिलती, नहीं मिलती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज तलवार लेके किसी के साथ लड़ने की जाने की आवश्यकता है, बाहर किसी से लड़ने की आज आवश्यकता नहीं है। अगर लड़ने की, अगर स्वतंत्रता प्राप्त करने की आवश्यकता है तो हमें अपने सोच से ही लड़ने की आवश्यकता है। जो एक छोटी सोच हमारी नकारात्मक सोच बन चुकी है, उस सोच को जब तक हम नहीं जीत पा रहे हैं, जब तक उसको हम अकल हमारे अंदर से हमारे मन से निकाल कर बाहर नहीं कर पा रहे हैं, तब तक विश्वास मानना किसी प्रकार से हम जीवन में न सफल हो सकते हैं न स्वतंत्र हो सकते हैं। है स्वतंत्र माँ? माँ सुनाई दे रहा है? स्वतंत्र है जीवन? बोलो, स्वतंत्र है जीवन? नहीं है। कितना परतंत्र का था जीवन, कभी इसको मनाओ कभी उसको मनाओ, कभी इसके लिए जीवन जियो कभी इसके लिए भोजन बनाओ, कब तक, कब तक करेंगे? और मात्र माताओं से नहीं, मैं पुरुषों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आपका जीवन स्वतंत्र है? नहीं है। कभी घर, कभी परिवार, कभी दुकान, कभी मकान, कभी मंदिर, कभी समाज, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं कितनों के लिए हमने अपने जीवन को, अपने आप को परतंत्र करके रखा है। जब तक हम परतंत्र हैं, जब तक दूसरों के अधीन हैं, तब तक विश्वास मानना जीवन की कोई सफलता मायने नहीं रखती। अरे करोड़ों कमा लिए, अरबों कमा लिए, चार चार दस दस मकान भी पाटोदी जी बना लिए, पर हमारा क्या है, हमारा कितना है? बुरा नहीं मानोगे, मान भी लो तो क्षमा कर देना, पर जाकर तीन तीन बेटों से घर जाकर पूछ लेना, बेटा इतना सब कुछ, इतना सब कुछ बना लिया, इतना सब कुछ बना के रख दिया है, जाते समय कितनी कितनी फिट भूमि मुझे साथ दोगे, पूछ लेना। कितना सोना, कितने जवाहरात पाटोदी जी साथ ले जाओगे, ले जाओगे? बहू बेटे देंगे? बचा कुछ अभी हो तो उतार के भेजेंगे समझाना। सत्यता को समझो, सत्यता को समझो, सत्यता को समझो। हम इन बातों में लेकर खुशियां मना रहे हैं कि हमने सब कुछ कर लिया, सबके लिए सब कुछ कर लिया। आप स्वतंत्र नहीं हुए हो, आप जितना जोड़ते जा रहे हो, जितना जोड़ते जा रहे हो, जितना जोड़ते जा रहे हो, उतना ही परतंत्र हो रहे हो, उतना ही परतंत्र हो रहे हो। ये जीवन की सफलता नहीं है, ये जीवन की सफलता नहीं है, ये असफलता है। आपके मायने धन दौलत कमाने के रोहित हो सकते हैं, आपने कमा लिए, पर उतने में उतने में उतने में जीवन की सफलता, जीवन की सार्थकता नहीं है। क्या सब कुछ मिलने के बाद भी भीतर किंचित किंचित भी सुख शांति है? थोड़ी सी,